खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत अगुवानी बस स्टैंड में देर रात अचानक भीषण आग लगने से डुमरिया बुजुर्ग निवासी सुमित चौधरी के सुपुत्र रामानंद चौधरी उर्फ फोल्टेन चौधरी का होटल जलकर राख हो गया। वहीं फोल्टेन चौधरी ने बताया कि होटल चलाकर अपने धर्म पत्नी और 6 बच्चों सहित माँ पिता का गुजारा करता था। वहीं आनंद फानंद में परिजनों द्वारा अंचल मुख्यालय में सूचना देने के पश्चात CO अंशु प्रशुन और राजस्व कर्मचारी रमेश कुमार ने जांच प्रतिवेदन के तत्पश्चात उचित मुआवजे दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ वहीं मौजूद सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया पिंटू कुमार ने बताया कि जहां तक संभव हो मैं इन गरीब जनता को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिलवाने की कोशिश जारी रखूंगा। इधर घरों में सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपका क्या नाम हुआ? श्री रामानंद चौधरी और फुलटन चौधरी। फुलटन जी, ये कैसे आग लगी? पता नहीं, रात में 11 बजे आग लगा है। 11 बजे हम घर चले गए, उसमें आप तो घर में थे। इसके बाद ये जो आग लगी हुई है, इसके बाद आप पदाधिकारी को जानकारी दिए? हाँ दिए हैं CO साहब। CO साहब को जानकारी दी सुबह सुबह? तो CO साहब ने क्या बताया? बताया कर्मचारी आएगा, लिख पढ़ के जाएगा। कर्मचारी लिख पढ़ के जाएगा? कुछ मुआवजे की बात बताए हो? बताया तो है। क्या बताए हो? मुआवजा मिलेगा कुछ बताया। आश्वासन देकर गए हुए हैं? हाँ। इसमें इसमें लगभग कितने का नष्ट हुआ? क्या क्या था इसमें? लगभग 5 लाख का नष्ट। 5 लाख का? जैसे में कुछ कीमती सामान क्या थे इसमें? इसमें फ्रीजर था, बड़ा बड़ा टोपिया था, एक टोपिया का 6000-7000 कीमत पड़ता है, 5 गो टोपिया था। अच्छा। 10-12 गो चौकी था, 50 गो कुर्सी था, एक पीस का 350 रुपया कुर्सी का। वो जो है सब मतलब। अच्छा, कुछ नकदी भी था उसमें? उसमें नकदी भी था। अच्छा, कितने लगभग नकदी कैश था उसमें? 5,000-5,500। 5,000 करीब उसमें नकदी कैश रखा हुआ था। कपड़ा लत्ता सब रहता था, घरे था ही। अच्छा अच्छा, घरे था, दुकान आधा घर था आधा दुकान। सिर्फ आप ही लोग रहते थे? जान माल कुछ नष्ट नहीं हुआ? जान माल सब नहीं रहते। चलिए धन्यवाद। ये नंबर आपने सर? रमेश बाबू। रमेश बाबू प्रखंड से कार्यालय से? अंचल। अंचल कार्यालय से। कौन से पद पे? वहाँ पे राजस्व कर्मचारी। तो यहाँ पे जो देखे ये घर आग आग लगा वाला होटल जो है, इसमें आपको कैसा लगा? पूर्ण रूपेण आपके आपके द्वारा पदाधिकारी, इसमें क्या सहयोग मिलेगी? सहयोग की हम प्रतिवेदन सौंप देंगे अंचल अधिकारी को। सौंपने बाद आपको क्या लगता है इसमें सहयोग मिलेगी? सहयोग मिलना चाहिए, इसमें कोनो बुरा थोड़ी। आप दिलवाइएगा ना इसमें सहयोग? कब तक मिलेगी सर? हाँ संभव प्रयास। कब तक में ये मिलेगी इनकी जो सहयोग राशि या जो भी होता है? देखिए 1 सप्ताह के अंदर।